नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता रानी। भारत के प्राचीन मंदिरों का इतिहास सबसे पुराना है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने अंदर रहस्य समेटे हुए हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं जो विज्ञान की इस दुनिया में चमत्कार दिखाते हैं। तो देखिए, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका इतिहास अतीत में वापस ले जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर की कहानी बताएंगे जो जमीन से प्रकट हुआ है। एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो तकरीबन 1500 साल पुराना है। एक ऐसा मंदिर जिसके अवशेष गुप्त काल से जुड़े हैं। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में एटा से 1500 साल पुराना मंदिर मिला है, या फिर यूं कहें कि खुदाई से गुप्त काल का प्राचीन मंदिर निकला है। एटा का बिलसाड़ गांव आजकल हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि यहीं से प्राचीन मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि जब ASI नियमित तौर पर सफाई कर रहा था, तब इस मंदिर की खोज हुई। अब खोज से देखे जो कुछ भी निकला, उसे देख आज हर कोई हैरान है, क्योंकि 1500 साल पुराने मंदिर को जमीन से निकलता देख सबके होश उड़े हुए हैं। आलम यह है कि अब हर कोई बिलसाड़ गांव की बात कर रहा है। धरती से प्रकट हुआ 1500 साल पुराना मंदिर अब पर्यटन के नक्शे पर बिलसाड़ गांव को एक नई पहचान दिलाएगा। बिलसाड़ गांव में अब एक म्यूजियम का निर्माण होगा, तो वहीं पर्यटन और रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे। तो बिलसाड़ गांव की इस खोज में दो खंभे मिले हैं जिन पे बारीकी से चित्रकारी हो रखी है। खंभों के साथ साथ कुछ पत्थर की मूर्तियां और मंदिर की सीढ़ियां भी खुदाई से मिली है, जिन्हें गुप्तकालीन मंदिर से जोड़ा जा रहा है। गुप्तकालीन मंदिर से जुड़े इन्हीं अवशेषों को देखते हुए इतिहासकार महेंद्रादित्य गुप्तकालीन शासक की याद दिला रहे हैं। अब इतिहासकारों का ये कहना है कि खुदाई में मिले मंदिर के अवशेष में सांख्य लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसमें महेंद्रादित्य के नाम का जिक्र आता है। महेंद्रादित्य गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम ने देखिए 15वीं शताब्दी में 40 साल तक राज किया था। सांख्य लिपि के बारे में ये बताया जाता है कि ये एक प्राचीन शैली की लिखावट है, जिसका प्रयोग 4वीं से 6वीं शताब्दी में किया जाता था, और इस लिखावट का प्रयोग नाम और हस्ताक्षर में ज्यादा किया जाता था। तो सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने ही ब्राह्मणों, बौद्ध और जैन अनुयायियों के लिए संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण कराया था, और उससे पहले सिर्फ चट्टानों को काट कर ही मंदिर बनाए जाते थे। तो एटा के एक गांव में गुप्त काल से जुड़ा 1500 साल पुराने मंदिर का मिलना एक बड़ी खोज है, और ये खोज अब किस प्रकार गांव की तस्वीर बदलेगी, अब ये देखना बाकी है।